अनदर मॉबलिन चिकन मेवात हरियाणा, आसिफ को 20-25 लोगों ने मार दिया। मेवात एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसकी पॉपुलेशन को 2011 में काउंट किया गया 10 लाख से ज्यादा थी। अगर 2021 के एतबार से देखा जाए तो 25 से 30 लाख आबादी हो चुकी होगी। गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि 80% लोग यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। कमाल की बात यह है, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे हिंदू पीपल मॉब लिंचिंग बाय मुस्लिम इन मेवात हरियाणा, आपको एक भी आर्टिकल पढ़ने को नहीं मिलेगा। हालांकि 80% लोग यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, ऐसा मेवात है मेरा। मुझे नहीं लगता जहां पर आपकी मेजोरिटी हाई हो और आप कमजोरों पर वार ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जब नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट देखते हैं, 2019 का डेटा देखते हैं, मेवात में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा पीटा हो, ये नेशनल डेटा बताता है। मामला मेवात का नहीं है, मामला नेशनल लेवल का है। ऐसा अमूमन कोई स्टेट नहीं बचा है, ऐसा अमूमन कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बची है जहां पर मुसलमानों को मारा काटा पीटा नहीं गया है, कभी टोपी के नाम पर, कभी कुर्ते के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी जैसी राम बोलो फोर्सली। राम होते तो सच कहूं तो बहुत नाराज होते, राम होते तो ऐसा देखते तो बहुत रोते, राम ऐसे ना होते, वो ऐसा करते नहीं। आप इस कार्टून को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बवाल यह ऐसा हो क्यों रहा है, 2014 के बाद यानी देश में जब से बीजेपी सरकार आई है मुसलमानों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है, सबसे ज्यादा मोब किया गया है उनके साथ, ऐसा हुआ क्यों है? जिस तरह से मीडिया ने हमारी इमेज को रिप्रेजेंट किया है सोसाइटी के सामने, वो बहुत गलत है, बहुत गंदा है, ये बहुत ही घटिया हरकत है वाया मीडिया। उसके साथ बीजेपी पार्टी के लोग, अगर कोई भी आदमी मुसलमानों को मारता है वो 10 दिन के अंदर बाहर आ जाता है। वहां के जो प्रेजेंट के एमएलएज होते हैं, प्रेजेंट के एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो उन लोगों से मिलने जाते हैं, जेल से बाहर करवाते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है, कभी आरएसएस में, कभी बीजेपी की पार्टी में। अब ये बहुत आसान है किसी भी हिंदू नौजवान के लिए, अगर वो कट्टर है कि मुझे बीजेपी और आरएसएस में काम करना है तो मैं किसी मुसलमान को मार दूंगा, मुझे आरएसएस और बीजेपी में अच्छा पद मिल जाएगा। डेट्स मीन कि बीजेपी और आरएसएस इसको प्रमोट कर रही है। मेरा सवाल है उन लोगों से जो डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, मेरा सवाल है उन लोगों से जो अपने आप को सेकुलरिज्म दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई संजय मरता है तो हमसे सवाल होते हैं, किसी राकेश को कोई मुसलमान मार दे तो हम आतंकवादी हो जाते हैं, लेकिन जब कोई तबरेज को मारता है, कोई आसिफ को मारता है, कोई पहलू को मारता है तो सबके सब चुप हो जाते हैं। ऐसी तो हमारी डेमोक्रेसी नहीं है मेरी जान, ऐसा तो हमारा देश का कानून भी नहीं कहता। ऐसा कैसे बनेगा हमारा देश जिस देश को अशफाकुल्ला खान साहब, भगत सिंह साहब चाहते थे? ये भेदभाव है हमारे साथ। जब हम अपनों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, जब आपके लोगों को कोई दर्द देता है तो आप क्यों आवाज नहीं उठाते अपनों के खिलाफ जब कोई हमें दर्द दे रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। डेट्स मीन मोहब्बत बढ़ाने और करने की कोशिश हम कर रहे हैं मेरी जान, आप नहीं कर रहे। आसिफ के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो मॉब किए गए हैं, तबरेज, पहलू, देश को हिलाया बड़े बड़े कांडों ने, तबरेज को मारा गया, पहलू को मारा गया, बहुत ऐसे लोग जिनको बेवजह मारा पीटा गया गाय के नाम पर, कुर्ते टोपी के नाम पर, ये देश, ये कानून, ये जज, ये सुप्रीम कोर्ट, उन लोगों को सबको इंसाफ दे, हम सबकी यही दुआ है। और आप लोग साथ दीजिए, जस्टिस फॉर आसिफ।